तो आज हम इस सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी भी बच्चे की रिजल्ट उसकी परसेंटेज से नहीं सब्जेक्ट वाइज चेक करना चाहते हैं तो हम किस तरह से चेक करेंगे। क्योंकि देखें, अगर किसी बच्चे के चार सब्जेक्ट हैं, तीन में 90 है ना, तो एक सब्जेक्ट में उसके समझ लो 39 है या आपके 30 मार्क्स है सही, और पासिंग मार्क्स है बच्चे की 50, तो उसकी परसेंटेज एक्चुअल में हमारी 80 या 70 या 90 बनेगी। तो परसेंटेज की बेसिस पे हम किसी बच्चे को पास करार नहीं देते। आंसर क्लियर। हम किसी भी स्टूडेंट को पास तब कहते हैं जब वो सारे के सारे सब्जेक्ट में पास हो। ऐसे ही है, तो जब हम सिंपल मार्कशीट बना रहे थे तो हमने ये सीखा था कि आप सिंपल इफ कंडीशन के थ्रू क्या करो, देख रहे हैं आप यहां पे हमने मालूम किया हुआ है कि अगर किसी भी बच्चे की परसेंटेज जो I3 के इस सेल में है ना, कि I3 के सेल में किसी भी बच्चे की परसेंटेज अगर बराबर या बड़ी है 50% के, तो बच्चा पास होगा। अगर वो 50 या 50 के ग्रेटर देन उसकी परसेंटेज नहीं है तो वो क्या होगा, फेल होगा। जबकि ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में उसके चारों के चारों सब्जेक्ट चेक करते हैं कि चारों सब्जेक्ट के अंदर अगर मार्क्स 50% से ज्यादा है तब भी वो पास होगा, वरना वो पास नहीं होगा। आपसे क्लियर हो रहा है? तो बच्चा पास होता है अकॉर्डिंग टू ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, ना के उसके परसेंटेज के हिसाब से। आंसर क्लियर हो गया? अब ये हमारी लॉजिक या ये वाला फंक्शन दो फंक्शन से मिलके बनेगा, तभी हम जो है वो इस तरह की रिजल्ट ले पाएंगे। सही है? तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इसके ऊपर लगे हुए फॉर्मूले को अभी मैं डिलीट कर देता हूं। कर दिया बेटा? अब मैं एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं जो इफ और एंड फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। किन? इफ और एंड फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। यहां पे आके मैं लिखूंगा इज इक्वल टू IF, इफ, है ना। ये लिखने के बाद एक दूसरा फॉर्मूला है AND, ये लगा दो, क्योंकि मैं चाहता हूं एंड यूज करूं। मैं इसीलिए एंड, ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट अगर उनकी मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50% होंगी, तभी वो बच्चे पास होंगे, वरना वो नहीं होंगे। और मैं चाहता हूं चारों के चारों सब्जेक्ट की मार्क्स 50 के बराबर हो या 50 से बड़ी हो, इसीलिए मैं एंड यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं? एंड, क्योंकि एंड ऑपरेटर को जब तक सारी की सारी कंडीशन ट्रू नहीं मिलती तब तक वो आपको ट्रू रिजल्ट नहीं देते, है ना। और इस कंडीशन या सिनेरियो में मुझे चारों सब्जेक्ट जो है वो बच्चे के उनकी मार्क्स या तो 50 या 50 से अबव चाहिए। ऐसे ही है बेटा? सही है। तो मैं एक एक सब्जेक्ट को चेक करूंगा, इफ उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, एंड फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैंने लिखा है लॉजिकल वन। इसका मकसद यह है कि आपने सबसे पहली कंडीशन दे देनी है। तो मैं इसको सब्जेक्ट वन के मार्क्स चेक करवाऊंगा कि अगर सब्जेक्ट वन के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो बेटा, 50 के, है ना, कि अगर सब्जेक्ट वन के मार्क्स किससे 50 से बड़े हैं या बराबर हैं, कॉमा। अब मैं दूसरा सब्जेक्ट भी चेक करवाऊंगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के अंदर आप चाहे तो एक कंडीशन चेक करवाएं या एक से ज्यादा कंडीशन चेक करवाएं। आंसर क्लियर है? तो मैं एंड के अंदर कॉमा लगा के फिर सब्जेक्ट टू के मार्क्स भी पूछ रहा हूं। आंसर क्लियर है? और मैं पूछ रहा हूं सब्जेक्ट टू के मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हैं, 50 के हैं, तो इसको भी पास कहना। फिर तीसरा सब्जेक्ट है ना, तीसरे सब्जेक्ट के भी मार्क्स अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 हो, कॉमा, चौथे सब्जेक्ट के मार्क्स
समझ में आ रहा है, मैं इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट को चेक कर रहा हूं कि क्या सारे के सारे सब्जेक्ट 50 के बराबर हैं या 50 के बड़े हैं, तभी ये पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। तो मैंने सारा चेक कर लिया। अब ये एंड ऑपरेटर जो भी रिजल्ट देगा वो आपकी इफ की रिजल्ट होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इफ का पहला पार्ट जब ट्रू हो जाता है तो आपको पता है पहली कामा के बाद, देखो आ रहा है लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, वो आपका क्या हो गया, दाग हो गया ना, कि अगर पूरे के पूरे सब्जेक्ट पास हो गए तो एंड रिजल्ट या एंड वाला फंक्शन हमें ट्रू देगा, है ना। तो एंड फंक्शन के रिजल्ट ट्रू देने से इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। अब अगर ट्रू मिल जाती है यानी वो बच्चा हमारा पास होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? वरना वो बच्चा हमारा क्या होगा, सिंपल है कि अगर चारों में से कोई एक सब्जेक्ट भी क्या है 50 से कम है तो सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं, भले उन बाकी सब्जेक्ट में 90 भी उठा ले फिर भी वो क्या कहलाएगा, फेल कहलाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। अब मैं एंटर करता हूं, आपको ये फेल कहेगा क्योंकि इस बच्चे की देखो परसेंटेज, चलो मैं इसको 45 दे देता हूं। अब देखें इसमें 60 है, इसमें 60 है, इसमें 60 है, परसेंटेज बच्चे की बनती है 56, इसके बावजूद वो बच्चा फेल है। कौन सा क्लियर है? सपोज इन पहले के जो तीन सब्जेक्ट है उनमें 90 उठा लेता है, 90, लेकिन इसमें इसने 49 उठा लिए, 40 उठा लिए, तो आपको कहेगा ये फेल है क्योंकि इसके चारों के चारों सब्जेक्ट पास नहीं है, इसके तीन में बेशक 90 है, एक सब्जेक्ट इसका फेल क्योंकि हमने पासिंग मार्क्स 50 रखी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप जब अपनी शीट जब डेकोरेट करेंगे उस पर फॉर्मूले लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट यू हैव टू फॉलो सच काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसी फॉर्मूले को हम बाकी के सेल्स के अंदर भी डुप्लीकेट कर लेंगे। सिलेक्ट दिस सेल विथ बॉटम सेल्स जो हमारे हैं और कंट्रोल प्लस डी सिलेक्ट कर देंगे तो सारे के सारे जितने हमारे बाकी सेल हैं उन पे भी ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये था हम किसी भी जो है क्या कर सकते हैं, मार्कशीट के अंदर सब्जेक्ट वाइज मालूम कर सकते हैं कि वो बच्चा पास है या फेल है। ठीक है जी, नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।